तो मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम एचसीएफ, पहले फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन सेक्टर। लिस्ट का मतलब कम या छोटा या छोटी। छोटी इसलिए लिख रहे हैं ताकि आगे जब उदाहरण दूंगा तब स्पष्ट हो जाएगा। हाईएस्ट अधिकतम, अधिकतम या अधिक। 12 और 20 का एग्जाम्पल के साथ हम लोग करते हैं। 12 एंड 20, टू के टेबल से 6 पे, 10 के टेबल पे 2 पे। 3 टू जा 6, 5 टू जा 10। ध्यान दीजिएगा, 6 टू जा 12, 10 टू जा 20, 3 टू जा 6, 5 टू जा 10। 1 3 3, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 5 5। इस साइड का जो जितना रहेगा वो एलसीएम में आएगा। 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, 60। यहाँ पे लीस्ट का मतलब है कम। यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि 12 और 20 के टेबल में 60 जो है सबसे छोटी संख्या है। आप लोग देखिएगा, 12 और 20 के टेबल में जो 60 है ये सबसे छोटी संख्या है। एचसीएफ 12 और 20 का एग्जांपल इसमें भी लेते हैं। 6 2 12, 10 2 20। ध्यान दीजिएगा, ये 2 का टेबल जो है असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। 2 3 4, ये 12 और 20 ये 4 के टेबल में भी आते हैं, बट स्टार्टिंग 2 से शुरू करनी है असेंडिंग ऑर्डर में। 2 3 4 5 एज ऑन। 3 2 6, 5 2 10। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 6 2 12, 10 2 20, ये 6 और 10 दोनों ही 2 के टेबल में आ रहे हैं और प्रॉपर इसको डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही 3 2 6, 5 2 10। लेकिन अगले स्टेप में आप देखिए, 1 3 3 हो रहा है लेकिन 3 जो है 5 के टेबल में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन रोक देंगे। यानी कि यही इतना हमारा 2 इंटू 2 4 HCF है। फैक्टर आया है, फैक्टर का इसमें है, इसलिए फैक्टर के द्वारा भी इसको हम देखते हैं। 12 का फैक्टर होगा 1 2 3 4 6 एंड 12। 20 का फैक्टर है 1 2 4 5 10 एंड 20। फैक्टर है हाईएस्ट। अब इसमें हाईएस्ट फैक्टर देखिए, फैक्टर तो 1 इसमें कॉमन है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट इसमें देखना है कॉमन, इन दोनों में कॉमन, और फैक्टर इन जो भी फैक्टर हैं। फैक्टर इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट जो है हमारा वो 4 है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ 4 है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका।